अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां 14 वर्षीय छात्रा के साथ 6 युवकों ने गैंगरेप का प्रयास किया है। छात्रा रोते हुए मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची। छात्रा का कहना है कि वह खेत से लौट रही थी, तभी गांव के कुछ दबंग उसे मिले। उन्होंने उसे जबरन झाड़ियों में खींच लिया, उसके कपड़े खींचने लगे, उसके साथ गैंगरेप का प्रयास करने लगे। किस्मत से इसी समय माँ वहां से निकल रही थी, आवाज सुनकर वह पहुंच गई। इस पर युवक भाग गए। पीड़िता मां के साथ पुरानी छावनी थाने पहुंची और शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद उसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक आना पड़ा। एएसपी जयराज कुबेर ने तत्काल मामले में एफआईआर के निर्देश दिए हैं। शहर के पुरानी छावनी स्थित गांव जमाहर में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी 9वीं की छात्रा है। वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाते हुए गाँव के ही 6 लोगों पर गैंगरेप के प्रयास का आरोप लगाया। छात्रा ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि जब वह अपने खेत से घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में बबलेश, उदय, श्रीनिवास, रवि, दीपू और अभिषेक कुशवाहा आदि मिले। इन लोगों ने उसे अकेला देखकर घेर लिया और खेत के अंदर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। उसने चिल्लाकर विरोध किया। इसी समय उसकी माँ भी खाना लेने खेत से घर की ओर जा रही थी, तभी उसकी माँ उसे तलाशते हुए वहां पहुंची। माँ के पहुंचने से पहले आरोपी छात्रा को हत्या करने की धमकी देकर भाग निकले। छात्रा ने परिजन को पूरी बात बताई। इसके बाद छात्रा अपने पिता के साथ पुरानी छावनी थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय उससे उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। परेशान होकर छात्रा अपने परिजन के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूरी घटना से अवगत कराया। छात्रा की बातें सुनकर पुलिस अफसरों ने तत्काल पुरानी छावनी थाना प्रभारी को मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वापस आ रही थी तो कुछ लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मैंने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे जमीन पर पटक लिया और मेरे कपड़े उठाने की कोशिश की और मेरे कई शरीर को छूने की कोशिश की, मेरे रेप करने की कोशिश की। और मैं मुसलमान परिवार से हूँ, उन्होंने कहा तू अकेली है तुझे मार देंगे, ये वो देशद्रोही है, ऐसा वैसा। 6 लोग थे। आज जनसन भाई मैं थाना पुरानी छावनी से रिलेटेड एक बालिका आई थी, उसके द्वारा कंप्लेंट थी कि उसके साथ में बदतमीजी हुई है, छेड़छाड़ हुई है। तत्काल थाना से फोर्स बुलाकर उसको थाने भेजा गया, कार्रवाई कराई जाए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।